सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे 45 से नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं रहा है। अभी 1 जून को यानी कि कल बारिश हुई थी कुछ कुछ ज़िलों में। कमेंट में बताइए कि आपके ज़िले में बारिश हुई थी या नहीं। तो फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं। आज हमें बात करनी है कि जब आप गर्मी में एकदम भद्दर धूप में गाड़ी को लगा के आते हो और वापस आते हो ना, तो वहाँ पे आपका केबिन इतना गर्म हो जाता है कि समझ लीजिए बैठा नहीं जाता उसमें। तो किस तरीके से हमें क्विक टाइम में अपनी गाड़ी ठंडी करनी है एसी का यूज़ करके? देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि बिना शुरू में एसी चलाए आप गाड़ी को अपनी नॉर्मल कर सकते हो। हमने खुद शॉर्ट बनाया हुआ इसी चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल हम एसी चला के गाड़ी ठंडी करके बताएंगे और साथ में ये भी आपको शुरू में बताया जाएगा कि गलती क्या करते हो जिस वजह से आपकी गाड़ी इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप देखिए, गलती ये करते हैं कि जैसे ही आप गाड़ी में ऐसे एंटर करते हैं, इसे ऑन कर देते हैं, फिर उसके बाद चारों शीशे अपने ये देखिए आप बंद कर देते हो। ये पीछे के हमारे दोनों बंद है ही हैं और उसके बाद क्लच दबा के गाड़ी को आपने स्टार्ट दे दिया, ये 1 पे फैन किया, उसके बाद ऐसे करके आपने एसी चला दिया। अब ऐसे में ना गाड़ी उतनी जल्दी ठंडी होगी नहीं। तो चलिए फिर एसी को कर देते हैं ऑफ और उसके बाद बताते हैं सही तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विंडो को ना आप हाफ हाफ खोलो, आप आधी से ज़्यादा विंडो जो है ऐसे ओपन रखो। सिमिलरली हम यहाँ के केस में भी आधा विंडो ओपन कर देंगे और पीछे वाले जो दो हमारे हैं उसको भी देखिए आधा खोल लेंगे। ये देखिए आधा विंडो जो है इधर का भी हमने खोल लिया है। अब इसके बाद 2 पे फैन करके एसी को तब चलाएंगे। ये देखिए एसी हमारा ऑन है और ये देखिए 2 पे सेट है। अब इसी सिचुएशन में गाड़ी को आपको छोड़ना है कम से कम 30-40 सेकंड। 30-40 सेकंड बाद आप क्या करो, ये चारों शीशे आप पूरे बंद कर दो और इसे 1 पे कर दो। उसके बाद नॉर्मल आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन पर विदाउट एनी प्रॉब्लम जा सकते हो। केबिन आपका बिल्कुल ठंडा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये किया क्यों? तो देखिए, ऐसा होता है कि अंदर आपकी गाड़ी में गर्म हवा होती है और अगली चीज़ ये, जब आप ये करो तो इसको इस पोजीशन पे रखो। अब ऐसे में ना यहाँ जो पैर के साइड एसी वेंट होते हैं ना, वहाँ से भी ठंडी हवा आती है, तो नीचे साइड जो भी गर्म हवा थी ये ठंडी हवा उससे रिप्लेस हो जाती है और जो गर्म हवा है ये ऊपर आती है और ये जो आधी खिड़की आपने खोली है ना इससे बाहर आ जाती है। और 30-40 सेकंड के लिए जब ये साइकिल रिपीट होती है तो एक टाइम बाद सारी गर्म हवा बाहर निकल जाती है, केबिन एकदम ठंडा बचता है। और उन 30-40 सेकंड बाद आप इसको नॉर्मल 1 पे करो और इसको फिर से नॉर्मल लेवल पे सेट कर दो। फिर चारों शीशे इस तरीके से बंद कर दीजिए और फिर जो है आराम से अपने डेस्टिनेशन पे जाइए, केबिन आपका बिल्कुल ठंडा मिलेगा। तो गाइस, कैसा लगा ये तरीका? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये तरीका कितने लोग आजमाते हैं।